2012 से गंगा जल को आगरा लाने के लिए लगा हुआ था, क्योंकि गंगा जल आगरा की पेयजल समस्या का सबसे बड़ा निदान और सबसे पुख्ता निदान था। ईश्वरी कृपा से धीरे धीरे मैं सफल हुआ। वो बाधा दूर करने के बाद अधिकारी जो गंगा जल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे ईमानदारी से परिश्रम से, उनकी मेहनत सफल हुई और अब गंगा जल आगरा आ चुका है। गंगा जल इस समय ट्रीटमेंट प्लांट से होकर क्लोरी फॉक्यूटर टैंक होता है उसमें है, और अभी फिल्टर से निकलकर घर 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 के द्वार में पहुंचना है। तो सबसे बड़े काम यह हो गया कि आने वाली नस्लों को शुद्ध गंगा जल मिलेगा। इस बार आगरा के लोग देखेंगे गदला और काले पानी छवि का पानी नहीं, नीली छवि का पानी, इतना शुद्ध निर्मल और स्वच्छ गंगा जल आएगा कि आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी देन है। ईश्वर मुख्यमंत्री से एक बात की है, जब गंगा जल आगरा आ रहा है और गंगा जल जब आगरा आ रहा है तो उसमें पानी छोड़ा जा रहा है क्लीनिंग और टेस्टिंग के बाद यमुना में, तो यमुना में बड़ा विहंगम दृश्य दिखता है संगम का, एक तरफ गंगा की नहर का रंग और दूसरी तरफ यमुना की नहर का रंग। तो एक ख्याल आया मेरे दिमाग में कि क्यों ना यहाँ पर ऐसा कोई घाट स्थापित कर दिया जाए जहाँ संगम का अथवा गंगा स्नान का आनंद लिया जा सके और पर्वों को मनाया जा सके। तो हम बृहस्पति को मिलकर आए हैं, हमने नहीं काम तो हम इसको काम नहीं मानते, क्योंकि गंगा जल लाने में उसको उद्घाटन का निमंत्रण देने में क्या काम है भाई। हम भी देखे आए, लेकिन हमने तो आप लोगों को बताया नहीं कि हम निमंत्रण दे आए। बृहस्पति को मैं गया था, निमंत्रण देकर आया उनको अध्यक्ष जी की तरफ से पत्र, मेरी तरफ से पत्र, तो हम देकर आए शुक्रवार को, जिन्हें मालूम गए हैं उसमें